प्रथमा विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति तक हमने सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है से। हमने पूर्व में जो विभक्ति पढ़ी है उसमें तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह भी से, करण कारक और से होता है, और यहां आप देख रहे हैं पंचमी विभक्ति में भी अपादान कारक और से उसका कारक चिन्ह दिख रहा है। अब हम यहां देखते हैं कि तृतीय विभक्ति में कारक चिन्ह करण कारक जिसका चिन्ह होता है से, लेकिन वो जुड़े होने की स्थिति में होता है, उसका अर्थ हम जुड़े होने की स्थिति में लेते हैं, तथा यहां पंचमी विभक्ति में अपादान कारक है और अपादान कारक का जो चिन्ह है से, वो किसी वस्तु के पृथक होना या किसी वस्तु का अलग होना, यानी अलग होने की स्थिति में हम प्रयोग में लाते हैं। तो यहां अपादान कारक का जो चिन्ह है से, ये कोई वस्तु किसी जगह से अलग होती है, पृथक होती है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति का हम सूत्र के द्वारा किस तरीके से और इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादाने पंचमी। अब यहां ये सूत्र दिखाई दे रहा है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम का आशय होता है स्थिर, अपाय का मतलब होता है अलग होना, अपाय का आशय होता है अलग होना, और जहां अलग होता है वहां अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अब हम देखते हैं, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमने विभक्ति पढ़ी है वो दो प्रकार से पढ़ी है, पहली विभक्ति होती है कारक विभक्ति, तथा दूसरा प्रकार हमने सीखा है उपपद विभक्ति। तो हम यहां जो ये पांच वाक्य लिखे हुए हैं, ये पांच वाक्य कारक विभक्ति के हैं, लेकिन कारक विभक्ति के इन पांच वाक्यों को सीखने से पहले हम चलते हैं पूर्व में जो विभक्ति हमने पढ़ चुके हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, वहां हम देखते हैं उपपद विभक्ति। जो तृतीय विभक्ति में हमने देखा था कि पृथक विना तथा नाना, पृथक का मतलब भी होता है बिना, विना का आशय भी होता है बिना, तथा नाना का आशय भी होता है बिना। अब यहां हमने देखा पृथक विना नाना, इन जो ये अव्यय उपपद विभक्ति का भाग है, और इनमें भी इनके योग में भी पृथक विना नाना अव्यय योगे उपपद विभक्ति अंतर्गते द्वितीय तृतीय विभक्ति अपि भवति, द्वितीय तृतीय विभक्ति में भी पृथक विना नाना अव्यय के योग में होती है, तथा पंचमी विभक्ति में भी जहां पृथक विना नाना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। उदाहरण के माध्यम से पंचमी विभक्ति अपादान कारक से का प्रयोग किस तरीके से होता है देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये प्रथम विना नाना द्वितीय तृतीय विभक्ति में भी आए हुए हैं, लेकिन किस तरीके से विभक्ति में इनका प्रयोग करते हैं, आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जलात जलात विना, जलात विना जीवनम, जलात विना जीवनम न अस्ति, न अस्ति या फिर हम नास्ति भी कर सकते हैं, न अस्ति या नास्ति दीर्घ स्वर। तो यहां जलात विना जीवनम न अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। अब हम यहां देखते हैं, यहां जलात शब्द का प्रयोग हमने किया है। अब देखने वाली बात यह है कि हमने अभी पूर्व में बताया है कि विना पृथक नाना अव्यय के अंतर्गत हम द्वितीय तृतीय तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर जलात शब्द आया है। यदि हमें जलात के स्थान पर यदि हम जलम का प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाता है। जलम विना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, नहीं है या नहीं होता है।
इसी प्रकार यदि तृतीय विभक्ति करण कारक में प्रयोग करते हैं तो जलम के स्थान पर जलेन विना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। लेकिन यहां पर हम पंचमी से अलग होने के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है कि जलात विना जीवनम नास्ति इत्यस्मिन वाक्य कोपि विभक्तया, कोई कौन सी भक्ति है, तो यहां प्रयोग हम फिर अपने मस्तिष्क में सोचेंगे कि जलात यानी रामात जलात, तो यहां पंचमी अपादान से तो हम सीधे सीधे जवाब देंगे पंचमी भक्ति जलात विना जीवनम नास्ति। पिछली विभक्ति में हमने एक नियम सीखा था कि किस तरीके से किसी वाक्य में हम अनुस्वार और हलंत का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में भी हमने एक छोटी सी त्रुटि की है जो आपके समक्ष यहां मैं आपको बता रहा हूं। वाक्य है जलात विना जीवनम न अस्ति या नास्ति, लेकिन हमने पहले एक नियम बताया था कि ये हलंत हम लगाते हैं, तो यहां कभी कभी ये जो अंतिम शब्द का जो पहला वर्ण हम अ मानकर और यहां यदि हम प्रयोग करते हैं तो गलत है। यहां क्या है आपको अभी पता चलेगा कि यदि न अस्ति को हम नास्ति कर देते हैं, नास्ति पहले हमने विच्छेद किया था ये संधि युक्त हो, यहां ये जो अंतिम पद है नास्ति इसमें पहला इस पद का जो वर्ण है न जो व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण होने के कारण इसके सम्मुख वाले पद में म पूरा जो हलंत है म उस म के स्थान पर हलंत न लगाते हुए और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पूरा वाक्य हो जाएगा जलात विना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन संभव नहीं। यहां हम देखते हैं ये वाक्य बना हमारा विना का, तीनों का आशय क्या है विना। अब यहां हम यदि दूसरा वाक्य निर्माण करते हैं तो विना के स्थान पर यदि हम ये नाना शब्द करते हैं, नाना आशय तीनों का एक ही है बिना, जलात नाना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। इसी प्रकार हम पृथक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जलात पृथक जीवनम नास्ति। तो यहां हमने अभी देखा है कि किस तरीके से द्वितीय तृतीय तथा पंचमी विभक्ति में हम वाक्यों के माध्यम से किस तरीके से पता लगाते हैं कि कहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये इस वाक्य के माध्यम से हमने जाना है। क्योंकि पृथक विना नाना के योग में द्वितीय तृतीय तथा पंचमी विभक्ति होती है, ये आप जान चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं उपपद विभक्ति का एक भाग सीखने के बाद, आइए अब हम सीखते हैं। हर बार हम बताते आए हैं कि दो तरीके से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पहला कारक विभक्ति जिसमें ये पांच वाक्य लिखे हुए हैं। देखिए अब हम अपने इस सूत्र के अनुसार ध्रुवम का आशय होता है स्थिर, अपाय अलग होने के अर्थ में जहां होता है वहां अपादान कारक होता है। अब हम देखते हैं कारक विभक्ति का पहला उदाहरण, मेघात जलम पतति, हिंदी में आशय हम देख लेते हैं, बादल से पानी गिरता है। बादल से देखिए आप कहां से गिरता है पानी, बादल से, बादल से पानी गिरता है। अब यहां हम देखिए संस्कृत में बादल से मेघात, मेघात बादल से पानी गिरता है, पानी गिर रहा है कहां से गिर रहा है, बादल से गिर रहा है। तो यहां मेघात शब्द में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, मेघात जलम पतति बादल से पानी गिरता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अब यहां हम देखते हैं यहां स्थिर अस्थिर दोनों स्थिति में, यहां पर बादल अस्थिर भी हो सकता है क्योंकि बादल से पानी बादल में इकट्ठा है लेकिन बादल से पानी गिरा अर्थात अलग हुआ और अलग होने के अर्थ में से अपादान वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन यहां पर स्थिर अस्थिर दोनों स्थिति में आगे आने वाले उदाहरण में देखेंगे कि स्थिर या अस्थिर होने की दशा में किस तरीके से पंचमी अपादान कारक से का आशय होता है। यहां देखिए अब दूसरा उदाहरण, सैनिक अश्वात
पतति, सैनिक घोड़े से अश्वत्थ पतति गिरता है। कहां कहां बैठा था सैनिक? घोड़े के ऊपर, घोड़े से गिरा, घोड़े से गिरना अर्थात अलग हुआ। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, तो अश्वत्थ शब्द में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। अब यहां देखते हैं हम सैनिक किस स्थिति में गिरा होगा, घोड़े पर बैठा है, घोड़ा दौड़ रहा होगा, यानी घोड़ा स्थिर नहीं है। हमने यहां देखा है स्थिर और अस्थिर दोनों का हम आशय लगा सकते हैं। ध्रुवम का वैसे तो अर्थ होता है स्थिर, लेकिन अस्थिर भी तो हो सकता है क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े के ऊपर सैनिक बैठा और फिर गिरा, यानी घोड़े से अलग तो हुआ, अर्थात यहां अश्वत्थ शब्द में पंचमी विभक्ति हुई। हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बहुवचन वाला वाक्य है, वृक्ष से यानी पेड़ से, पत्ते कहां है? पेड़ पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन वृक्षात पत्राणि पतन्ति यानी पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे गिरते हैं। पतन्ति में ये जो वाक्य बहुवचन है, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। अब यहां ये महत्वपूर्ण बात ये है कि वृक्षात, अब यहां हमने इस वाक्य में देखा तो पहले पंचमी पहले शब्द में हुई, दूसरे वाक्य में देखा तो बीच वाला जो पद है अश्वत्थ इसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ, फिर यहां तीसरे वाक्य में देखिए आप वृक्षात शब्द में अपादान पंचमी हुई। यानी संस्कृत भाषा में यदि ये जो वाक्य है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यदि ये वृक्षात उठाकर यहां पहले बीच में रख दें और ये शब्द यहां, यानी संस्कृत भाषा में किसी पद को उलट सुलट यदि बोल दें या लिख दें तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी अपनी हिंदी या आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं होता है। यहां यदि वृक्षात पत्राणि पतन्ति को पत्राणि वृक्षात पतन्ति या पतन्ति पत्राणि वृक्षात या कैसे भी हम लिख दें, फिर भी अपनी संस्कृत भाषा में वो जो सेंटेंस वाक्य है वो अपूर्ण या गलत नहीं होता। तो यहां वृक्षात पत्राणि पतन्ति में यानी पत्ते गिर रहे हैं, कहां से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं, तो यहां अपादान पंचमी हुई। अगला उदाहरण हम देखते हैं, रामः विद्यालयात् आगच्छति, राम विद्यालय से आता है। कहां गया राम? विद्यालय गया, विद्यालय से आ रहा है, यानी विद्यालय से अलग हुआ। रामः विद्यालयात् आगच्छति, राम विद्यालय से आगच्छति आता है। तो यहां पर विद्यालयात् शब्द में पंचमी अपादान कारक हुआ है, यानी विद्यालय अपनी जगह स्थिर है लेकिन राम वहां से आ रहा है, आगच्छति आता है, तो यहां विद्यालय शब्द में अपादान पंचमी है। तो यहां आने की क्रिया कर रहा है, कहां से कर रहा है? विद्यालय से कर रहा है, तो विद्यालय में अपादान कारक। अलग होने के अर्थ में आप देख ही रहे हैं अपादान से अलग होने के अर्थ में। पांचवा उदाहरण हम देखते हैं, आपणात तंडुलाह आनीताह, दुकान से चावल लाया, दुकान से चावल लाया, दुकान में चावल है बहुत सारे हैं लेकिन वहां से लाया यानी जो चावल लाया है वो अलग हुआ है, दुकान से चावल लाया, अर्थात अपना शब्द में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। तो इस प्रकार हमने अभी जो कारक विभक्ति है इसमें ये हमने पांच वाक्यों के माध्यम से सीखा कि जहां पर अलग होने का अर्थ होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्ति के उदाहरण सीखने के बाद अब हम दूसरा भाग विभक्ति का, उपपद विभक्ति के कुछ उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं कि उपपद विभक्ति किस संदर्भ में लगाई जाती है। यहाँ कुछ विशेष धातुएं उनके अर्थ के योग में उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर एक, बालकः सर्पात् विभेति, बालक सर्प से सांप से विभेति डरता है। अब यहां पर विभेति शब्द में भी धातु और भी का अर्थ, इस धातु का अर्थ भी का भयभीत होना या डरना, तो यहां पर हम देखते हैं कि विभेति में वी उपसर्ग के संयोग से विभेति शब्द बना है और विभेति शब्द में
भी धातु है जिसका आशय डरना होता है। और पूरे वाक्य का आशय हम देखते हैं कि बालक सर्पात विभेति, बालक सांप से डरता है। किससे डर रहा है बालक? सर्प से डर रहा है, सांप से डर रहा है। तो यहां पर विभेति उपपद विभक्ति के कारण, इस विभक्ति नी धातु के कारण यहां पर हम सर्पात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य हम देखते हैं, चोर आरक्षात भीत अस्ति, चोर सिपाही से भीत अस्ति डरता है। किससे डर रहा है? चोर आरक्षात यानी सिपाही से डर रहा है ना। किससे डर रहा है? सिपाही से डर रहा है, क्योंकि चोर को पुलिस या सिपाही से डर लगता है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां भीता शब्द में भी धातु का प्रयोग हुआ है, और जिसका आशय भी डरना होता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि पहले वाक्य में विभेति में भी धातु दी गई थी, और इस दूसरे वाक्य में भी भीता में भी धातु के अर्थ के संदर्भ में यहां पंचमी अपादान आरक्षात का प्रयोग हम करते हैं। आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा। सज्जन दुर्जनात त्रायते, सज्जन दुर्जन से त्रायते रक्षा करता है। त्रायते, त्रायते शब्द में त्रास धातु, और त्रास का मतलब होता है रक्षा करना, है ना। तो सज्जन व्यक्ति दुर्जनात दुर्जन से रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहा है? दुर्जन से कर रहा है, अर्थात दुर्जना शब्द में पंचमी अपादान कारक का प्रयोग यहां हुआ है। अब हम देखते हैं चौथे वाक्य में, मुखाच्छादकम रोगात रक्षति, मुखाच्छादकम मास्क, तो मुखाच्छादकम यानी मास्क रोगात रक्षति, रोग से रक्षा करता है। तो यहां भी किससे रक्षा कर रहा है? रोग से रक्षा कर रहा है। तो रोगात शब्द में पंचमी विभक्ति हुई। अब यहां रक्षति में कौन सी धातु है? रक्ष है। इस वाक्य में भी आप देखिए, त्रायते और त्रास धातु और रक्ष दोनों का आशय होता है रक्षा करना, लेकिन अलग अलग इस रक्ष और त्रास धातु के अर्थ के संदर्भ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं पांचवा, सज्जन दुर्जनात जुगुप्सते, सज्जन दुर्जनात दुर्जन की जुगुप्सते घृणा करता है, है ना। सज्जन दुर्जन से घृणा करता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा धातु का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, घृणा करना, है ना। तो यहां जुगुप्सते धातु का प्रयोग किससे कर रहा है? घृणा दुर्जन व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से घृणा कर रहा है। तो यहां सज्जन दुर्जनात जुगुप्सते, सज्जन दुर्जन से घृणा करता है। यहां दुर्जना शब्द में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। सह कार्यात विरमति, वह कार्य को रोकता है। सातवां वाक्य, रामः लेखनात प्रमाद्यति, राम लिखने में आलस्य करता है। अब यहां हम देखते हैं कि विरमति, वह कार्य को रोकता है, तो कार्यात शब्द में पंचमी विभक्ति तथा सातवें वाक्य में प्रमाद्यति, वह कार्य से आलस कर रहा है, लिखने से आलस कर रहा है, तो लेखनात शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। साथ ही पिछला जो पांचवा वाक्य था, जुगुप्सा विरमति तथा प्रमाद्यति धातु के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अब हम अगला आठवां वाक्य, अव्यय योग वाला वाक्य, जलात रिते जीवनम नास्ति, जल के बिना, रिते का आशय होता है बिना, जल के बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। यहां हम देखते हैं कि जो रिते है, ये द्वितीय तथा तृतीय विभक्ति में रिते अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। रिते अव्यय का प्रयोग केवल और केवल पंचमी विभक्ति में ही प्रयोग किया जाता है, और जहां रिते होता है वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जलात रिते जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। अगला वाक्य हम देखते हैं, ग्रामात बहि सरह अस्ति, गांव के बाहर सरह अस्ति तालाब है, गांव से बाहर बहि, बहि अव्यय है, और कहां? गांव से। तो यहां ग्रामा शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य दसवां देखते हैं, वैशाख चैत्रात पर, चैत्र महीने के बाद वैशाख आता है, पर बाद में चैत्रात, चैत के बाद वैशाख आता है, तो यहां चैत्रात शब्द में पंचमी विभक्ति है। साथ ही एकादश ग्यारह वाक्य, शनि
वासरात अनंतरम रविवासरः भवति, शनिवार के बाद अनंतरम, अनंतरम यानी पश्चात या के बाद, तो शनिवार के बाद रविवासरः भवति, रविवार होता है। तो यहां हम देखते हैं कि शनिवासरात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।